हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में Vivo V29 स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे Oppo Reno 10 स्मार्टफोन के साथ। डिजाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर Vivo V29 स्मार्टफोन में आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पर आपको तीन कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, स्पेस ब्लैक, मेजेस्टिक रेड और हिमालयन ब्लू। जबकि Oppo Reno 10 स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर प्लास्टिक का बैक देखने को मिलते हैं, साथ ही यहाँ पर आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, सिल्वरी ग्रे और आइस ब्लू। और यहाँ पर Oppo में आपको Oppo ग्लो डिजाइन दिया गया, जबकि Vivo के स्मार्टफोन में आपको कलर चेंजिंग डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ बोलूंगा कि डिजाइन में क्लियरली Vivo V29 स्मार्टफोन बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्लास बैक के साथ साथ कलर चेंजिंग डिजाइन भी दिया गया है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। Vivo के स्मार्टफोन में आपको 1.5K का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जबकि Oppo Reno 10 स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर फुल HD प्लस का ही रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, साथ ही 120Hz का रिफ्रेश रेट और HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन आपको दोनों स्मार्टफोनों की डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। Vivo के स्मार्टफोन में आपको 1300 का ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको Oppo के स्मार्टफोन में 950Hz का ही ब्राइटनेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में भी स्लाइटली Vivo का V29 स्मार्टफोन बेहतर है। मल्टीमीडिया की अगर बात करूं तो Vivo V29 स्मार्टफोन में आपको 4600 mAh की बैटरी, साथ ही 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, जबकि Oppo Reno 10 स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी, साथ ही 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया। और यहां पर आपको Vivo के स्मार्टफोन में मोनो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि Oppo के स्मार्टफोन में आपको यहां पर डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन का सिमिलर रहने वाला है, क्योंकि डिस्प्ले तो सिमिलर देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर अगर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है Oppo के स्मार्टफोन में, तो यहाँ पर आपको अच्छा फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है Vivo V29 स्मार्टफोन के साथ में। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो Vivo V29 स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 778G प्रोसेसर दिया गया, जिसका अंतुतु स्कोर लगभग 6 लाख के आसपास देखने को मिलता है, जबकि Oppo Reno 10 स्मार्टफोन में Dimensity 7050 प्रोसेसर दिया गया, जिसका अंतुतु स्कोर लगभग 5 लाख के आसपास देखने को मिलता है। और दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ आते हैं, और यहाँ पर आपको फ्यूचर में दोनों स्मार्टफोन में आपको दो एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस क्लियरली Vivo V29 स्मार्टफोन की बेहतर देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको बेहतर प्रोसेसर देखने को मिलता है। कैमरे की अगर बात करें तो दोनों स्मार्टफोनों के रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। Vivo V29 स्मार्टफोन में आपको मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि OIS सपोर्ट के साथ आता है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। जबकि Oppo Reno 10 स्मार्टफोन में आपको मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया, जो कि OIS सपोर्ट के साथ आता है, साथ ही 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर टेलीफोटो सेंसर भी देखने को मिल जाता है, जो कि 2x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है, और 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर का सपोर्ट भी दिया गया। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो Vivo V29 स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि Oppo Reno 10 स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरे का सपोर्ट दिया गया है, और दोनों स्मार्टफोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर ओवरऑल कैमरे की बात करें तो रियर कैमरे में यहाँ क्लियरली Oppo का स्मार्टफोन बेहतर है, जबकि सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको बेहतर दिया गया Vivo V29 स्मार्टफोन के साथ में। कनेक्टिविटी और सेंसर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में आपको लेटेस्ट कनेक्टिविटी, साथ ही अच्छे 5G बैंड का सपोर्ट तो देखने को मिलता है, साथ ही सारे के सारे सेंसर्स का सपोर्ट भी दिया गया है, और AMOLED डिस्प्ले होने के कारण दोनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो फाइनली बात करें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट प्राइस की, तो Vivo V29 स्मार्टफोन में आपको दो स्टोरेज वेरिएंट दिए गए, 8GB प्लस 128GB जो कि आपको 33,000 में देखने को मिलता है, और 12GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट यहां पर आपको 37,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। जबकि Oppo Reno 10 स्मार्टफोन में आपको एक ही वेरिएंट दिया गया 8GB प्लस 256GB जो कि आपको यहां पर 33,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। तो ओवरऑल कंपैरिजन की अगर बात करूं तो यहां पर रियर कैमरे को छोड़कर बाकी सभी एस्पेक्ट में Vivo V29 स्मार्टफोन बेहतर है, जबकि यहाँ पर आपको रियर कैमरा बेहतर देखने को मिल रहा है Oppo Reno 10 स्मार्टफोन के साथ में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों स्मार्टफोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेहतर लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।